3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल राउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं ICSE बोर्ड क्लास 7th केमिस्ट्री, उसका नंबर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आज 4th पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमने स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़े थे, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ा था, और टेक्निक्स क्या होती हैं, उन मिक्सचर्स को हम किस किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये ट्राई आउट कर लेते हैं। इसमें आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स। नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे चैप्टर में, वो उनमें से कोई भी दो लिख दीजिए। गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई भी दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। कैन वी राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर अ मिक्सचर, वाई? क्या हम एक मिक्सचर के लिए केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं? क्यों? केमिकल फार्मूला हम मिक्सचर के लिए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है कि कौन सा सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। अ मिक्सचर इन विच अ सॉलिड इज मिक्सड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ डैश मिक्सचर। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स में बहुत सारे पढ़े थे, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड पढ़ा था, लिक्विड सॉलिड पढ़ा था, इस टाइप से पढ़े थे ना। तो इनमें से बताना कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें इन विच अ सॉलिड इज मिक्सड इन अ लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करते हो, तो कौन सा मिक्सचर कहलाता है? आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहलाता है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस लिक्विड मिक्सचर। गैस लिक्विड मिक्सचर का आप कोई एग्जाम्पल बताइए। O2 इन H2O, ठीक है, तो कैसे हुआ? गैस लिक्विड, लिक्विड में गैस ही तो मिल रही है, वाटर में गैस ही तो होती है, ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो वो गैस लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय डैश मेथड्स। एक मिक्सचर को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हो, कौन से मेथड से? फिजिकल मेथड से। नेक्स्ट है डैश हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किसके फिक्स्ड होते हैं? कंपाउंड्स के फिक्स्ड होते हैं। सो होप आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स सब समझ में आया होगा। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फाउंड इन द नेचर आर इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर। हमें ये पता है जो मोस्ट ऑफ मटेरियल्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गेट आयरन। हमें जो आयरन मिलता है, लोहा जो मिलता है, वो आयरन ओर से मिलता है। विच इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो कहाँ मिलता है आयरन ओर? हमें अर्थ के क्रस्ट पर मिलता है, जो सैंड, स्टोन्स, मड और दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स रहता है। उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है मिक्सचर से, ठीक है। तो किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? आयरन ओर और सैंड, स्टोन्स और दूसरे तरह के और मटेरियल्स मिक्स रहते हैं, उसमें से आयरन आपका सेपरेट किया जाता है। वी गेट कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम नॉर्मल डेली में नमक यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो हमें सी वाटर से, समुद्र के पानी से मिलता है। जो समुद्र का पानी भी तो खुद एक क्या होता है? एक मिक्सचर होता है सॉल्ट्स का, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के सॉल्ट्स जो हैं वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। वी गेट पेट्रोल टू रन आवर व्हीकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम विच इज़ अ मिक्सचर। हमें पेट्रोल मिलता है, जिस पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स को रन करवाने के लिए, वो किससे मिलता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम भी आपका एक मिक्सचर होता है। द ग्रेन्स दैट वी ईट, दैट वी गेट आफ्टर थ्रेशिंग प्लांट्स हैव हस्क मिक्स्ड विद देम। जो ग्रेन्स, जो अनाज हम खाते हैं, वो प्लांट्स को थ्रेशिंग करने के बाद, उनकी सफाई करने के बाद उसमें हस्क मिक्स्ड रहता है ना। तो उनकी प्लांट्स की थ्रेशिंग करने के बाद हमें वो ग्रेन्स मिलते हैं। ऑक्सीजन यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन यूज होती है वो भी एयर से ऑप्टेन करी जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। एयर भी आपका मिक्सचर होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज मिक्स रहती हैं। तो ये सभी जो सेपरेट करते हैं उनकी टेक्निक्स हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। वी दस नीड टू सेपरेट मिक्सचर्स टू। इसीलिए हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, किस लिए? टू ऑप्टेन द यूजफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के यूजफुल कॉम्पोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकें, ऑप्टेन कर सकें, जैसे सच एज पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम किस चीज़ को ऑप्टेन कर सकते हैं? पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही आपके यूजफुल कॉम्पोनेंट्स हैं। और क्या ज़रूरत है हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करने की? सेपरेट द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द यूजफुल कॉम्पोनेंट्स सच एज सैंड फ्रॉम आयरन ओर। ये हम मिक्सचर्स को सेपरेट इसीलिए भी करते हैं ताकि हम यूजफुल कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर सकें। यूजफुल कंपोनेंट्स अलग हो जाए और आपकी इम्प्योरिटीज़ भी उन कंपोनेंट से अलग हो जाए। इम्प्योरिटीज़ कैसे? जैसे आयरन ओर में बहुत बताया था ना अभी, अर्थ के क्रस्ट में सैंड और दूसरे मटेरियल
एक्सेट्रा प्रेजेंट रहते हैं तो सैंडवॉर्म सेपरेट कर सकते हैं, उससे जो इम्प्योरिटी है हमारी अलग हो जाएगी और यूजफुल कंपोनेंट आपका अलग हो जाएगा। टू ऑब्टेन यूजफुल प्योर सब्सटेंसेस लाइक डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम टैप वाटर, प्योर सब्सटेंसेस को भी हम ऑब्टेन करने के लिए मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, जैसे टैप वाटर से डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं मिक्सचर्स को, उसमें टैप वाटर इम्प्योर होता है तो उसे सेपरेट करते हैं, उसमें से बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस को ऑप्टेन कर लिया जाता है। प्योर सब्सटेंस कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर को ऑप्टेन कर लिया जाता है, तो इसीलिए मिक्सचर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है जिससे प्योर सब्सटेंसेस इम्प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सके। टू सेपरेट मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं। अभी सेपरेशन टेक्निक क्या होती है, इट इज़ अ मेथड दैट सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये एक ऐसा मेथड होता है जो क्या करता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। द टेक्निक चूजन, कौन सी टेक्निक किस सब्सटेंस के लिए किस मिक्सचर के लिए लगेगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स, उसमें उस मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़, लाइक साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ उस पर डिपेंड करती हैं कि उसमें कंपोनेंट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निक्स लगाई जाती हैं। सम कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स विच यू हैव स्टडीड अर्लियर आर, जो कुछ कॉमन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी सेपरेशन की जो हमने पहली अर्लियर क्लासेज में पढ़ी, जैसे वो पढ़ी थी हमने विनोइंग, थ्रेशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब आगे हम और पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एडवांस टेक्निक्स पढ़ेंगे। सम मोर सेपरेशन techniques that we will study in detail are sublimation, evaporation, using a separating funnel and distillation, ये सभी process अब हम आगे पढ़ने वाले हैं one by one। इसमें हमारी first technique है sublimation। sublimation में क्या है, it is used to separate solid solid mixtures in which one component sublimates on heating, ये ऐसे mixtures को separate करता है जो आपके solid solid mixtures होते हैं जिसमें एक component जो है heat करने पर sublimate करता है, vaporize हो जाता है। सच कॉम्पोनेंट्स अंडरगो सब्लिमेशन, दैट इज़ दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग टू अ लिक्विड स्टेट, ऐसे कॉम्पोनेंट्स सब्लिमेशन करते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन की प्रोसेस से जाते हैं। जो सब्लिमेशन में क्या होता है, दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ गैसियस स्टेट, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाते हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें बीच में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट वो नहीं होते हैं, तो आपकी ये प्रोसेस आपकी कहलाती है सब्लिमेशन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेफ्थलीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स दैट सब्लिमेट। आयोडीन, कैम्फर, कैम्फर को आप कपूर भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेफ्थलीन, ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं उन सॉलिड्स के जो सब्लिमेट करते हैं, सब्लिमेट यानी हीट करने पर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरी सब्लिमेशन की प्रोसेस समझाई जाएगी। सब्लिमेशन कैन बी यूज, आप इस सब्लिमेशन की प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। मिक्सचर किस चीज़ का होगा आपका, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर होता है जिसे सेपरेट कराया जाता है सब्लिमेशन की प्रोसेस से। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, मिक्सचर को आप चाइना डिश में डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को चाइना डिश, ये होती है आपकी डायग्राम भी देखते रहिए साथ साथ, यहाँ पर दिखाया हुआ है ना चाइना डिश, ये ऐसे डिश की फॉर्म में होती है, चाइना डिश बोलते हैं इसे। एंड कवर्ड विद अ ग्लास फनल हुज नेक इज प्लग्ड विद कॉटन वूल, और उसे आप ग्लास फनल, फनल जो होती है उससे आप क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, किस तरीके से, ऐसे कवर करेंगे और उसकी जो नेक है उसे आप कॉटन प्लग, कॉटन से क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, बंद कर देंगे। अमोनियम क्लोराइड वेपोराइजेज ऑन हीटिंग, जब आपने उसे बर्नर लगाकर हीट किया, ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा था आपने, हीट किया, हीट करने पर जो अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा उसमें से अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज हो जाएगा, वेपर्स बनेंगे, आपको यहाँ पर वेपर्स बनते हुए दिखाई देंगे अमोनियम क्लोराइड के। दीज वेपर्स कूल डाउन, अब ये वेपर्स जब ठंडे होते हैं एंड चेंज टू अ सॉलिड स्टेट अगेन, और वो ठंडे होने के बाद फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन टचिंग द कूल इनर सरफेस ऑफ द फनल। जब ये वेपर्स बनते हैं अमोनियम क्लोराइड की हीट करने पर, तो ये जो वेपर्स होते हैं ये इनर सरफेस पर, फनल के इनर सरफेस को जब टच करते हैं, इनर सरफेस उसका क्या रहता है, कूल रहता है, उसे टच करते हैं जब, तो ये वेपर्स कूल होकर फिर से सॉलिड स्टेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट
हो जाते हैं. सो अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फनल एज अ सब्लिमेट. तो ये जो आपका यहाँ पर कलेक्ट हुआ अमोनियम क्लोराइड, इसे आप सब्लिमेट बोलोगे, ठीक है. एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेजिड्यू इन द चाइना डिश. और चाइना डिश में जो आपका मटेरियल बचा यानी कि आपका सॉल्ट बचा, तो उसे आप क्या बोलोगे, रेजिड्यू. उसे आप बोलोगे रेजिड्यू. होप आपको ये प्रोसेस समझ में आएगी. बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है. बस चाइना डिश लेनी है, उसमें मिक्सर डालिए, हीट करेंगे तो वेपर्स बन जाएंगे जो कूल इनर सरफेस को, फनल के इनर सरफेस को जब टच करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आपका यहाँ पर रेजिड्यू बच जाएगा. और ये जो वेपर्स जो सॉलिड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट होंगे उसे आप सब्लिमेट बोलेंगे एंड सॉल्ट जो बचेगा वो आपका रेजिड्यू कहलाएगा. तो ये पूरी प्रोसेस है. जब आपको ये एग्जांपल देने के लिए आए सब्लिमेशन का, तो आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है इवेपोरेशन, ठीक है. इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज़ मोस्टली यूज टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ वॉलेटाइल लिक्विड. ये मोस्टली, ये जो प्रोसेस होती है वेपोरेशन, इसे यूज़ किया जाता है एक सॉल्युबल सॉलिड को वॉलेटाइल लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, ठीक है. वॉलेटाइल लिक्विड होता है जो लिक्विड आपका इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से. इन दिस मेथड, इस मेथड में सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड सो दैट द वॉलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट्स. सॉलिड लिक्विड जो मिक्सचर होता है उसे हीट किया जाता है जिससे जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वेपर्स बन जाएंगे उसके. एंड द सॉल्युबल सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड. और जो सॉल्युबल सॉलिड होगा वो आपका पीछे बच जाएगा. हीटिंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. यानी कि जितनी ज़्यादा हीट उस मिक्सचर को मिलेगी उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन जल्दी होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज हीटेड. आपने देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, एक डिश ली है, उसमें क्या करा आपने, मिक्सचर डाला सॉल्ट एंड वाटर का, उसे हीट किया. द वाटर इवेपोरेट्स. वाटर के यहाँ पर आपको वेपर्स दिखाए हुए हैं, इवेपोरेट हो रहा है वाटर जैसे जैसे वो हीट होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. एंड दी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. और उसके अंदर जो सॉल्ट बच रहा, जो हमने डिजॉल्व किया था, जो मिक्स किया था उसमें सॉल्ट वाटर में, वो आपका यहाँ पर बच जाएगा बाद में, जब फुल वाटर आपका क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा. इन दिस मैथड, इस मैथड में द लिक्विड इज़ नॉट कलेक्टेड. इस मैथड में आप लिक्विड को कलेक्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इवेपोरेट्स. ये इवेपोरेट हो जाता है एंड मिक्सेज विद एयर, और एयर के साथ मिक्स हो जाता है. तो ये जो वाटर इवेपोरेट होता है यही तो हमारे एयर में मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट रहता है ना. द सॉल्ट वी ईट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. जो सॉल्ट हम खाते हैं डेली में, नमक जो हम लेते हैं, यूज़ करते हैं, वो सी वाटर, समुद्र के पानी से क्या होता है, ऑब्टेन होता है बाय इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की मदद से ही होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े सी वाटर हैं उसे हीट थोड़ी करते हैं. उसमें क्या होता है आपका, जब सनलाइट पड़ती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हीट होती है, तो वो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होने लगता है. और बाद में आपका क्या बचेगा कि वाटर जो है आपका इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है. सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो लेक्स कॉल्ड लगूम्स. सी वाटर जो होता है उसमें शैलो लेक्स बनाए जाते हैं जगह जगह पर, जिन्हें हम लगून्स बोलते हैं. उसमें सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है. द वाटर इवेपोरेट्स. शैलो लेक्स यानी थोड़े गड्ढे से बनाए जाते हैं, लेक्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम लगून्स बोलते हैं, और उसमें सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है. वाटर जो होता है उसमें वो इवेपोरेट हो जाता है एंड सॉल्ट उसमें बच जाता है. इट इज़ कलेक्टेड. उसे कलेक्ट किया जाता है, उस सॉल्ट को सेंट टू फैक्ट्रीज फॉर प्यूरिफिकेशन. प्यूरीफाई करने के लिए उसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, क्योंकि जो सॉल्ट बचता है उसमें आपके इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. एंड देन पैक टू बी सोल्ड इन द मार्केट. और जब वो प्योर हो जाता है उसके बाद उसे मार्केट में बेचने के लिए क्या कर देते हैं, पैकिंग उसकी कर देते हैं. तो ये आपकी इवेपोरेशन की टेक्निक है मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. थर्ड टेक्निक हमारी आती है अब यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल आती है लैब्स में, उसे यूज़ करके हम कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे आगे. अ सेपरेटिंग फनल इज यूजली यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स विच हैव डिफरेंट डेंसिटीज सच एज ऑयल एंड वाटर. सेपरेटिंग फनल का जो यूजली यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल मीन्स जो मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है, जो मिक्स नहीं हो पाते हैं वो, उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, ऐसे इमिसिबल लिक्विड की क्या करते हैं, उन्हें हम सेपरेट करते हैं. जैसे ऑयल एंड वाटर, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है ना. ऑयल क्या होता है आपका, थोड़ा थिक होता है, और वाटर आपका नॉर्मल होता है. लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर और डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड. वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं या फिर डिजॉल्व नहीं होते हैं एक दूसरे में, उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. आप ऑयल एंड वाटर का सबसे मेन एग्जाम्पल इसमें पढ़ाया जाता है सेपरेटिंग फनल की टेक्निक में.
ऑयल एंड वाटर, आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो मिक्स नहीं होते, ऑयल की अलग लेयर बन जाती है और वाटर की अलग, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डेंसिटीज. व्हेन इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्सड दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स. अब अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लो और ऐसे लिक्विड्स ले लो दो इमिसिबल जो डिफरेंट उनकी डेंसिटी है, तो वो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं. द लिक्विड विद द लोअर डेंसिटी विल फ्लोट ऑन द टॉप. जिस लिक्विड की डेंसिटी लोअर होगी, जिस लिक्विड की डेंसिटी लो होगी वो टॉप पर क्या कर जाएगा, फ्लोट करेगा, तैर जाएगा. व्हाइल द लिक्विड विद द हायर डेंसिटी सिंक्स. जिस लिक्विड की हाई डेंसिटी होगी वो सिंक कर जाएगा एंड बॉटम में लेयर बना लेगा. ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. अब इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है. ऑयल एंड वाटर का आपने मिक्सचर लिया, द ऑयल विच हैज़ अ लोअर डेंसिटी फॉर्म्स अ लेयर अबव द वाटर. ऑयल एंड वाटर का जब आप मिक्सचर लेंगे तो ऑयल की लोअर डेंसिटी होती है, जिससे वो वाटर के ऊपर क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा टॉप पर. ठीक है, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. देखिए जैसा आपको यहाँ पर मिक्सचर दिखाया हुआ है, सेपरेशन टेक्निक दिखाई हुई है डायग्राम के थ्रू. ये आपकी सेपरेटिंग फनल है पूरी. ये यहाँ पर आपको एक बीकर रख रखा है आपने, ये स्टॉप कर के इससे क्या करेंगे, अब आप ये ऑयल एंड वाटर का इसमें आपने मिक्सचर डाला और इसमें ऊपर ये जो येलो पार्ट है ये ऑयल है और नीचे वाटर है, तो ऑयल की लो डेंसिटी थी इसलिए उसने वाटर के ऊपर लेयर बना ली. अब ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को आप सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इट इज़ पोर्ड इनटू अ सेपरेटिंग फनल. उसी सेपरेटिंग फनल में आपने मिक्सचर को डाला एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम टिल टू डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म. आपने इसमें मिक्सचर डाला, फिर उसे थोड़ी देर के लिए आप स्टेबल होने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा उसकी दो दो अलग अलग लेयर्स क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी. डिस्टिंक्ट लेयर्स आपको दिखेंगी, ऑयल की अलग और वाटर की अलग. ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक. स्टॉप कॉक जो है ऐसा, आप ये जो नॉब है इसे आप मूव करेंगे, घुमाएंगे तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द फनल. जो वाटर होगा वो फनल से यहाँ पर आ जाएगा. द स्टॉप कॉक इज क्लोज एज सून एज ऑल द वाटर हैज़ ड्रेन्ड आउट. आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टॉप कॉक तब तक ही ओपन रखना है जब तक वाटर आपका नीचे सारा नहीं आ जाता है. ध्यान रखना होगा, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि स्टॉप कॉक आपका तब तक ही ओपन रहेगा जब तक वाटर आपका नीचे सारा ड्रेन आउट नहीं हो जाता है. और जब आप उसे स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे तो आपका ऑयल जो है ये सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगा. तो सेपरेट कर लिया आपने लेयर्स को सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके. द प्रोसेस इज सिमिलर टू सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन. ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ही होती है. उसमें क्या करते हैं, दैट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में हम यूज़ करते हैं, इन प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू सेपरेट इनसॉल्यूबल हैवी सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स. लिक्विड्स में से इनसॉल्यूबल हैवी सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो सेपरेटिंग फनल के जैसा ही हो गया. नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी डिस्टिलेशन. बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बस आपको ये याद रखना है इसमें एग्जाम्पल कौन सा है तो आपको उसे याद आ जाएगा और डायग्राम के थ्रू आप उन्हें समझा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिलेशन. थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है. डिस्टिलेशन में क्या है, डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक. ये भी एक आपकी सेपरेशन टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं डिस्टिलेशन में, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन अभी हमने पढ़ लिया, कंडेंसेशन भी देख लेंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस, कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है. मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ पर बेस्ड रहता है आपका डिस्टिलेशन का प्रोसेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन. टू टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन होता है, सिंपल एंड फ्रैक्शनल. तो हम सबसे पहला डिस्टिलेशन का टाइप पढ़ते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन. आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाया हुआ है. इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. अगर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है आपके पास तो उसमें से आपको सॉल्युबल सॉलिड अलग करने को मिल जाएगा. अगर करना है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर से. दो चीज़ें बता रखी हैं, दो चीज़ों में इन्हें आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है तो आप सॉलिड को सेपरेट कर सकते हो उससे, और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है तो आप उससे सॉल्युबल लिक्विड को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. अनलाइक इवेपोरेशन इन दिस मेथड, इस मेथड में बोथ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर कलेक्टेड. इवेपोरेशन में की जैसा तो नहीं है इसमें, क्योंकि इवेपोरेशन में आपका एक ही क्या कंपोनेंट आपका कलेक्ट होता है, तो इस मेथड में दोनों ही कंपोनेंट्स को कलेक्ट किया जाता है. इट कैन ओनली बी यूज व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव अ लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. अब मैंने बताया डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होती है कि आप सिंपल डिस्टिलेशन करोगे या फिर फ्रैक्शनल करोगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उस मिक्सचर में उनमें बॉइलिंग पॉइंट्स का कितना डिफरेंस है. तो वो जो सिंपल डिस्टिलेशन में आपका जो मिक्सचर होगा उनके कंपोनेंट्स में जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए.
ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तब आप सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। विच मेथड? सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए आपको डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, ये बर्नर है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है हमारे केमिस्ट्री लैब्स में, इसमें आपको सॉल्ट वाटर दिया हुआ है और थर्मामीटर से आप क्या कर रहे हैं, और थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर जैसे जैसे हीट होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर इसमें से जो वाटर आपका इवेपोरेट होगा वो यहाँ पर आएगा, या इसे हम बोलते हैं लेबिक कंडेंसर, लिख रहे हैं ना, लेबिक कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पर वाटर आप ठंडा ठंडा वाटर यहाँ पर आप फ्लो करवाते हैं यहाँ से, जिससे यहाँ पर जो गर्म गर्म वेपर्स आएंगे ना वो ठंडे होकर फिर से कूल होकर यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्योर वाटर बन जाता है। अभी हम सॉल्ट सॉल्यूशन का डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, इसमें यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग दी वाटर वेपोराइजेस, जब आप उस मिक्सचर को हीट करते हैं, जो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला था वो, तो उसमें से वाटर वेपोराइज हो जाता है। वाटर वेपर पासेस थ्रू अ ग्लास ट्यूब, वाटर वेपर आपकी ग्लास ट्यूब से पास होता है जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं, अभी बताया था लेबिक कंडेंसर होता है उससे पास होगा। कोल्ड वाटर आप उस कंडेंसर के चारों तरफ से क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, जिससे वाटर वेपर्स आपके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, और कूल होकर वो वाटर की फॉर्म में फिर से क्या हो जाएगा, सेपरेट फ्लास्क में उसे डिस्टिलेट की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। लिक्विड वाटर फ्लोज आउट ऑफ द कंडेंसर, लिक्विड वाटर जो बन जाता है फिर से वो कंडेंसर से आउट फ्लो हो जाता है एंड इज कलेक्टेड एज अ डिस्टिलेट इन सेपरेट फ्लास्क, और अलग फ्लास्क में उसे डिस्टिलेट के रूप में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जो आप उसे अलग कलेक्ट करते हो ना, जो कंडेंसर से आता है बनकर, उसे हम डिस्टिलेट बोलते हैं। द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एज अ रेजिड्यू, और जो सॉल्ट होता है वो आपका उसी फ्लास्क में बच जाता है और उसी सॉल्ट को हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो भी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, इस प्रोसेस का, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज़ कर सकते हैं एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ऑन डिस्टिलेशन द एल्कोहल इवेपोरेट, एल्कोहल जो होगा आपका इवेपोरेट हो जाएगा और उसे डिस्टिलेट के रूप में कलेक्ट कर लिया जाएगा, वाइल वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड एज रेजिड्यू, और जबकि वाटर आपका रेजिड्यू की फॉर्म में वहीं बच जाएगा। सॉल्ट्स आर रिमूव फ्रॉम टैप वाटर टू मेक डिस्टिल्ड वाटर इन लैब्स एंड फैक्ट्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की प्रोसेस से जो टैप वाटर होता है उसमें से सॉल्ट्स रिमूव करके डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है लैब्स में और फैक्ट्रीज में। डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल होता है लैब्स में एंड इंडस्ट्रीज में सॉल्यूशंस बनाने के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन बैटरीज, बैटरीज जो होती हैं इन्वर्टर वाली बैटरीज जो होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है इसी डिस्टिल्ड वाटर का, एंड बाय डॉक्टर्स इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भी डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है। तो आप डिस्टिल्ड वाटर के यूजेज यहाँ से आप बता सकते हैं क्या होते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड टाइप जो है डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बचता है। इसके बाद हमारा और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स बचता है, जिसमें हम दो तरह की टेक्निक्स का एक ही प्रोसेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम कवर करेंगे इसके एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और मैं आपको गाइस ये बता दूं, बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं कि मैम आप हिस्ट्री सिविक्स भी पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी भी है और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं। देखिए धीरे धीरे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स भी हमारी चल रही है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, आपको जल्द ही आपकी सारी डिमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।